हेलो गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश सिरोही, जो कि काफ़ी सुंदर है। आप लोगों को काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल तो मैं हूँ अपने होम टाउन सद्या पे। तो सद्या से यहाँ से 27 किलोमीटर पड़ेगा सिरोही। तो काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला। तो गाइस फिर से मिलते हैं वहाँ पे, चलिए। मैं अपने होम टाउन का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे होम टाउन सद्या। सद्या आपका ये नाम पड़ता है फोर्ट चराली। तो यहाँ से सीधा जाएंगे हम लोग। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज है, धौला सद्या ब्रिज। तो इसलिए मैं आपको अभी सद्या अपने होम टाउन का वीडियो नहीं बनाता, मैं आपको कुछ ही दिन बाद वो वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी सुंदर रहेगा वो वीडियो आप लोग के लिए स्पेशल। चलते हैं पेट्रोल पंप की ओर। ये है सद्या का पेट्रोल पंप। हाँ निकी, ओ मैं बंद करी। ये बंद नहीं हो रहा है, कैसे बंद करो इसको? ठीक है, अब इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, अब इसको दिखाइए, नीचे दिखाइए। ठीक है, बस हो चुका है अपना काम। तो आप यहाँ से सीधे निकलते हैं रोइंग की ओर। ये है शांतिपुर गेट। हम लोग अभी फिलहाल अरुणाचल में एंटर कर चुके हैं। अब आएगा मज़ा, क्योंकि जितने हम आगे जाएंगे उतने ही ठंडा और बढ़ते जाएंगे। तो इस जगह का नाम है पारबुक। इसके बाद आएंगे शायद आपका जिया। हम पहुंच चुके हैं जी। अब यहाँ से आपका 10 किलोमीटर दूर पड़ेगा रोइंग। तो इससे पहले आपको एक मैंने सुना है यहाँ पे एक नया रिजॉर्ट खुला है, जिया रिजॉर्ट जिसे कहते हैं। तो वहाँ भी थोड़े से आप लोग एंटर करेंगे, जाके आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ पे क्या है और क्या नहीं। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पर, तो शो करता हूँ वहाँ पर क्या है और क्या नहीं, मज़ा आने वाला है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं आपका जिया रिजॉर्ट। देखते हैं यहाँ पे क्या है। मैंने सिर्फ सुना था यहाँ पे कुछ नया नया चीज़ है, मतलब घूमने को, खाने को, रहने को। देखते हैं यहाँ पे क्या है और क्या नहीं। APP? AMM। AMM जी, मतलब आप ही यहीं के ओनर है। तो इसके बारे में कुछ बताइए भाई, क्या चालू है देवी? हाँ चालू है, बताइए। ये एक इको रिजॉर्ट है जी, जो पूरा ऑर्गेनिक, अगल बगल में सब जो भी लगे हैं सब ऑर्गेनिक है जी। जैसे ऑर्गेनिक टी गार्डन है, ऑर्गेनिक मस्टर्ड है, ऑर्गेनिक फाफड़ लगा है, मकई लगा है। प्लस हमारे पास 5 रूम्स है, 5 कॉटेजेस है, प्लस 15 टेंट्स है। अच्छा अच्छा, तो
वही तो हमें फर्स्ट टाइम सिर्फ सुना था यहाँ पे जिया रिजोर्ट खुला है बोल के, तो आज यहाँ पे आए हैं। और क्या क्या यहाँ पे सर आपका रेस्टोरेंट मिलेगा? और रेस्टोरेंट है हमारे पास। अच्छा अच्छा। चिल्ड्रंस के लिए किड के लिए पार्क है। अच्छा अच्छा। एक छोटा पूल बना रखे हैं जिसमें फीस है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी आप एंजॉय कीजिए। अच्छा थैंक यू आपसे सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप ये है अपना जियो रिजोर्ट जो कि साफ सफाई में बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे। तो शायद मुझे लग रहा है ये बुलेट है टायर के बुलेट आप शायद स्टे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे होटल है और ओनर ने बताया था कि 4-5 कमरा है यहाँ पे, तो आप आराम से यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा जिया रिजॉर्ट का। समय का मद्देनज़र रखते हुए तो यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। तो अच्छा लगा जिया रिजॉर्ट है, यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे और कुछ काफ़ी टूरिस्ट भी आ चुके हैं जो कि फ़िलहाल निकल रहे हैं यहाँ से। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। तो फ़िलहाल आज तो टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि आप लोगों को रोइंग भी दिखाना है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोइंग देवपानी। तो शायद आप लोग का बैड लक होता होगा या मेरा बैड लक होता होगा क्योंकि आज कोई भी मार्केट खुला नहीं था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नदी, आई थिंक ये नदी आया है आपका चाइना से आया शायद ये रिवर। तो यहाँ से काफ़ी सुंदर था कि झलक। तो गाइस आपने देख ही लिया होगा देवपानी रिवर। अब हम निकलते हैं सरीले की ओर 6 किलो जो कि काफ़ी सुंदर होगी, वो भी नदियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और आपको यहाँ से और भी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं गाइस 6 किलो के ऊपर है और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाई दे रहा होगा, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से आप देख ही सकते हैं। और ये जो प्लेस पड़ता है आपका 6 किलो से ऊपर, तो इस रास्ते से जाते हैं आपका माइडिया एंड अनिनी जो कि माइडिया काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग ने नाम सुना ही होगा।
तो रोइंग टाउन पहुंचने से पहले हम आपको एक दिखाते हैं अपना दीदी का रेस्टोरेंट जो कि रोइंग पार्क के सामने है, जिसका नाम सांगा रेस्टोरेंट है। तो हम वहाँ पे भी घुसते हैं। तो फिलहाल यहाँ से अभी निकलते हैं हम लोग। तो गाइस, मैंने कहा था कि हम सरेलेक जा रहे हैं, बट हम सरेलेक नहीं जा रहे हैं क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। दैट्स व्हाई, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत 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 बड़ा जगह है घूमने के लिए। फिर वहाँ घूमते तो फिर हमें अगेन रिटर्न भी पहुँचना है घर पे। दैट्स व्हाई हम लोग सरेलेक नहीं जा रहे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको सरेलेक का भी शेयर कराता हूँ। फिलहाल आप यहाँ का व्यू का मज़ा लीजिए। ये है सांगा रेस्टोरेंट। तो गाइस, दीदी को तो नहीं मिला, बट हम लोग वहाँ से अपना लंच करके निकल गए। तो यहाँ से आपका पड़ेगा आपका अनिनी 227 किलोमीटर और आपका माइडिया पड़ेगा 54 किलोमीटर। तो इसके बाद आपका नज़दीक सांगा रेस्टोरेंट के नज़दीक आपका पार्क मिलेगा जो कि बहुत सुंदर है अंदर से, बट मैं आपको बाहर से शो करता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे तो आप एक बार यहाँ पे घुस के जाइएगा। फ़िलहाल मैं निकलता हूँ गाइस यहाँ से। गाइस, फिलहाल हम लोग हैं रोइंग टाउन पर। तो एक्चुअली मैं कुछ काम से रोइंग आया था, तो उसी काम को लेकर मैं एक मेरे भैया को मिलने जा रहा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंटेशन था उसको देने के लिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। एक्चुअली दिखाने के लिए बहुत कुछ था रोइंग पर, लेकिन आज बदकिस्मती से मार्केट बंद था। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ रोइंग के बारे में। आई थिंक मुझे पार्ट टू बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पार्ट टू बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। तो गाइस, बस आज के लिए बस इतना ही था। तो नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, और प्लीज़ शेयर भी करना मेरे लिए। थैंक यू गाइस।